हे गाइस वेलकम टू रेसलिंग चैनल। तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ब्रॉक लेसनर रिटर्न समर स्लैम के आसपास हो सकता है एंड रोमन रेंज की जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है क्या वो पीक पे किस लेवल तक जा सकती है एंड गाइस हमारे सीएम पंग एंड ड्रू मैकइंटायर आमने सामने कब आने वाले हैं और गाइस हमारे लोगन पॉल का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट मेरे चैनल पर मिस ना कर सको। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस ब्रॉक लेसनर रिटर्न कब तक हो सकता है, माना जा रहा है कि उनका रिटर्न समर स्लैम में हो सकता है। समर स्लैम में वो अपना रिटर्न कर सकते हैं लेकिन गाइस अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, कोई भी ऑफिशियली मतलब र्यूमर नहीं है कि वो आएंगे ही आएंगे समर स्लैम में या फिर वो आएंगे ही एंड अपना मतलब रिटर्न करेंगे। आ भी सकते हैं, अगर आएंगे तो सीक्रेटली आएंगे क्योंकि ब्रॉक लेसनर ऐसे करेक्टर हैं या ऐसे बंदे हैं जो सीक्रेटली आते हैं, किसी को बताते नहीं हैं ना किसी सोशल मीडिया पे हैं कि वो किसी को बताएं जताएं कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तो ये एक मैटर नहीं करता कि हाँ कितने लोग कह रहे हैं क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड वे से आते हैं। तो अगर समर स्लैम में आते हैं वो तो कोडी रोड्स को आई थिंक चैलेंज कर सकते हैं लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता अभी आएंगे। बट गाइस देखो कुछ भी हो सकता है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अब कोई ऑफिशियल अपडेट तो आए नहीं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं करेंगे समर स्लैम में, ब्रॉक लेसनर आएंगे ही आएंगे। तो देखो गाइस क्या होता है। भाई गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी हमारे लोगन पॉल से। लोगन पॉल का गाइस क्या करियर होने वाला है, मतलब वो आते हैं तो रैंडम मैचेस लड़ते हैं, रैंडम मैचेस लड़ के चले जाते हैं वापस एंड गाइस उनकी कोई प्रॉपर फ्यूड नहीं है, जैसे प्रॉपर फ्यूड बिल्ड हो जो एक साल तक वो नहीं है। तो गाइस उनके लिए ये दिक्कत बन सकती है, मतलब अपडेट के अकॉर्डिंग उनके लिए ये चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं क्योंकि वो आते हैं एंड एक सुपरस्टार के साथ लड़ते हैं एंड चले जाते हैं बिकॉज उनको कोई प्रॉपर फ्यूड नहीं मिल रही। तो उनके लिए एक प्रॉपर फ्यूड प्लान कर सकती है WWF एंड WWE मेकिंग राइट नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द करियर ऑफ लोगन पॉल। तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी देखो गाइस कब तक ये चीज़ होती है, नेक्स्ट अपोनेंट कौन होता कहा जा रहा है कि समर स्लैम में वो फेस कर सकते जॉन सिना को या एल ए नाइट को। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है टांगा लियो से। टांगा लियो के डेब्यू ने ही सबसे ज़्यादा व्यू इकट्ठे कर लिए हैं 24 घंटों में, आई थिंक 20 मिलियंस के अराउंड व्यू जनरेट कर लिए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड दिस इज राइट नाउ ब्लड लाइन स्टोरी लाइन मोस्ट इंटरेस्टिंग। दिस टाइम दे हैव अ मैक्सिमम टाइम टू ब्लड लाइन स्टोरी इज द टॉप नॉच एंड मेकिंग अ टॉप लेवल कंटेंट गिविंग ऑडियंस। तो गाइज ये चीज़ हो रही है और टॉप लेवल का कंटेंट दे रहे हैं और जो ब्लड लाइन है वो अलग ही लेवल पे जा रही है। और ब्लड लाइन जब अलग लेवल पे जा रही है तो आपको पता है किस लेवल पे लोग पसंद करते हैं ब्लड लाइन को। तो ये चीज़ हुई है एंड गाइज मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइज वो जुड़ी है ब्लड लाइन का पीक लेवल कब होगा। तो गाइज ब्लड लाइन का पीक लेवल होगा जब रसलमेनिया आएगी, रॉयल रंबल तक एंड सर्वाइवर सीरीज तक, क्योंकि उस टाइम तक गाइज सभी आएंगे और गाइज ओजी ब्लड लाइन एंड न्यू ब्लड लाइन के बीच में वॉर गेम भी होगा। आई थिंक अगर वॉर गेम होता तो सोलो स्कोवा जीतेंगे बिकॉज हील वाले तो बंदे पहले जीत जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ है ना वो गाइज ये मैटर करती है क्योंकि ब्लड लाइन जब थी रोमन रेंज के साथ तो वो हर मैच जीती थी आफ्टर हील, क्योंकि गाइज जब ब्लड लाइन में रोमन रेंज थे जब ओजी वाली थी तो गाइज वो हील थी एंड वो कभी हारती नहीं थी। वॉर गेम भी आपको पता होगा कि वो हारे ही नहीं। तो ये चीज़ें मैटर करती है कि सोलो स्कोवा का करेक्टर और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और ब्लड लाइन और ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है मनी इन द बैंक से। तो मनी इन द बैंक के अलियर बैटिंग ऑर्ड्स आ चुके हैं, क्लियर फेवरेट है हमारे जीतने के लिए एल ए नाइट। उसके बाद आते हैं हमारे डोमिनिक मिस्ट्रियस जो आप ये चेक कर सकते हैं, इसमें सैमी ज़ेन का भी नाम है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारी लिव मॉर्गन से। लिव मॉर्गन का दिखाया जा सकता है डोमिनिक सा चक्कर एंड गाइस एक फोटो आई जिसमें पर्पल लाइट पड़ रही है लिव मॉर्गन पे एंड उनकी जेब में रुमाल है पर्पल कलर का। तो माना जा रहा है कि ये डोमिनिक मिस्टीरियो का रुमाल है। तो ये चीज़ है। बाकी देखो गाइस ये कब तक होता है कि हाँ भसड़ तो मचेगी क्योंकि लिव मॉर्गन ने हील वे में कहा कि आई टेक एवरीथिंग फॉर मामी, मैं उसका सब कुछ चुरा लूँगी जो जो मामी के पास है। तो गाइस सब में तो हमारा डोमिनिक मिस्टीरियो भी आता है तो ये चीज़ हो सकती है। भाई गाइस मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर की स्टोरी लाइन मतलब आमने सामने क्यों नहीं आ रही। तो कईयों का मानना है मतलब कई बोल रहे हैं कि वो आमने सामने नहीं आ रहे, मतलब ये थोड़ा वो कर सकता है। लेकिन गाइस सबसे पहली बात सीएम पंक भी अभी फुली क्लियर नहीं है, वो अभी 100% क्लियर नहीं है एंड ड्रू मैकइंटायर की एल्बो इंजर्ड है थोड़ी सी, जो वो फुली क्लियर नहीं है। तो इसलिए मंडे नाइट रॉ में जो ये सेगमेंट रखा गया या ये प्रॉपर बहुत बेस्ट सेगमेंट था, परफेक्ट सेगमेंट था
एंड गाइस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेगमेंट राइट नाउ सीएम पंक एंड ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर क्लियर नहीं है यार। जब क्लियर होंगे तभी आमने सामने होंगे, तभी ब्रॉल होगी। ऐसे थोड़ी ना ब्रॉल हो जाएगी, बंदा क्लियर ही नहीं है तो डब्ल्यू ब्रॉल करा दे इनकी। तो ये चीज़ है। बाकी गाइस इनकी जो स्टोरी लाइन है वो अमेजिंग है, अनएक्सपेक्टेड है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन चल रही है इस वक्त सीएम पंक एंड ड्रू मैकइंटायर की, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन चलाई जा रही है डब्ल्यू की तरफ से। तो गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन चलाई जा रही है डब्ल्यू की तरफ से, क्योंकि दोनों की स्टोरी लाइन में जो इन्वेस्टमेंट है ना वन ऑफ द बेस्ट की जा रही है। क्योंकि यार देखो किस हिसाब से प्रोमो कट कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे की वाइफ पे बोल रहे हैं, एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और जो ये बनाई है ना स्टोरी लाइन, लग नहीं रहा कि फेक है, लग रहा है कि रियल स्टोरी लाइन है। तो गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे मॉडर्न डे महाराजा से। तो मॉडर्न डे महाराजा ने मतलब एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि लेट्स स्टार्ट बेबी फेस रन एंड 90 डेज का उनका क्लो है, जिसके बाद वो डब्ल्यूई से मतलब रिलीज तो हो गए लेकिन 90 डेज का क्लो होता है कि उसके बाद ही कोई कंपनी ज्वाइन कर सकता है। तो गाइस मॉडर्न डे महाराजा फेस टर्न जा सकती है, एंड मुझे लगता है प्रॉबेबली वो शेंकी की तरह किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या फिर AEW या TNA में भी जा सकते हैं। तो गाइस देखो यार, अगर वो TNA में जाते हैं या AEW में जाते हैं उन्हें बेस्ट रन मिलता है, मतलब बेस्ट मीन्स उन्हें परफेक्ट रन मिल जाता है, वो टाइटल जीतते हैं कोई, एंड उनका जो करेक्टर वो बिल्ड नेक्स्ट लेवल हो जाता है, तो गाइस वो रिटर्न कर सकते हैं और ये माना जा सकता है। क्योंकि गाइस आपको पता कोडी रोड्स भी रिलीज हुए थे एंड उन्होंने AEW में अपना नाइटमेयर करेक्टर बनाया था, एंड स्मर्फ जो है अब AEW के वर्ल्ड टाइटल चैंपियन है। तो गाइस उनका करेक्टर किस लेवल पे, जेड कागर भी AEW से आई है, तो ये मैटर करता है कि अगर आप बाहर जाके अपने करेक्टर को स्टैब्लिश करें, अपने आप को उस लेवल पर ले जाएँ, तो इस इज अ मैटर, दिस अ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर फॉर यू। रिटर्न कर सकते हो आप ड्रू मैकइंटायर ने सेम चीज़ की थी, आप देख लो ड्रू मैकइंटायर का करेक्टर कहाँ पे, तो ये चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइस वो जुड़ी है हमारे केविन ओवन से। तो केविन ओवन का बर्थडे था कल गाइस, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो हैप्पी बर्थडे केविन ओवन, एंड उनकी सारी अचीवमेंट गिनाई है WWE ने, आप ये चेक कर सकते हो, एंड राइट नाउ सेलिब्रेट करूँगे यार अपना बर्थडे। एंड गाइस समर स्लैम से ये अपडेट है कि समर स्लैम में एक बंदा फैन जो है वो गया टिकट लेने, तो उससे पहले ही पता नहीं 2000 बंदे लाइन में लगे हुए थे टिकट लेने के लिए। तो कई माने कि यार ये चीज़ होती है, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी साइट्स पे जानबूझ के वो रखा जाता है ट्रैफिक, जानबूझ के कि बंदे की इंटरेस्ट बढ़े कि वो फटाफट टिकट क्लिक करे, क्योंकि गाइस इतनी जल्दी होता नहीं। सेम चीज़ क्रिकेट जो होते हैं ना मतलब मैचेस होते हैं उनमें भी की जाती है, जानबूझ के टिकटें खाली रखी जाती है ताकि इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके। कोई भी स्पोर्ट हो ना उस पर सेम चीज़ होती है, ताकि इंटरेस्ट बढ़े, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, वो क्लिक कर सके या टिकट बुक कर सके, उन्हें उसे लगेगी यार ये बड़ा जल्दी बुक हो रहा है शो, तो ये चीज़ होती है। बाकी ये अपडेट थी। तो गाइस हमारे लास्ट में जुड़े वो जुड़े कोडी रोड से। तो गाइस 100 डेज कंप्लीट कर लिए कोडी रोड ने एज अ चैंपियन रसलमेनिया होने के बाद, अब तक वो चैंपियन है। तो गाइस देखो उनका टाइटल रन कब कहाँ तक जाता है, मुझे लगता है रॉक एंड रोमन जब तक आते नहीं है तब तक उनकी स्टोरी लाइन का कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं हो सकता। तो बाकी ये अपडेट थी, अगर वीडियो अच्छा लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।